आसंत जीवा एमती एक गाँव को जो गाँ थी स्वतंत्र राज्यर राजधानी एवं से ही गाँ मयूरभंज खिचिंग ऐतिहासिक गाँ भाव परिचित एठारे ओडिशार पुरातन संग्रहालय थिले मध्ये लागि रहिछि अनेक समस्या आसंत देखिबा करंजारु स्वतंत्र रिपोर्ट। आज आम जीवा एमती एक गाँ जो गाँ दिने राज्यर राजधानी थिला वर्तमान यह एक ऐतिहासिक गाँव में परिचित आम कौच मयूरभंज जिला जो सुकुरुली ब्लॉक रे माँ किचकेश्वर मंदिर रही आम आज देखू स्पेशल रिपोर्ट रे चलत माँ किचकेश्वर मंदिर दर्शन करवा एवं सेठारे जो रही ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कलाकार्य को नहीं आज आम देखू आपण को माँ किचकेश्वर मंदिर। मयूरभंज जिला अधिष्ठात्री देवी होती माँ किचकेश्वरी ओडिशार 1200 वर्ष पुरातन खिचिंग मंदिर को देश विदेश पर्यटक और भक्त मैंने आसी खिचिंग मंदिर टी विश्व एकमात्र मंदिर जहाँकि संपूर्ण कला मुगुनी पथर निर्माण कर मंदिर टी 1920 रु 1926 ख्रीष्टाब्दे स्थापन कर सरकारी भाव घोषणा कर वर्ष तमाम भक्त और पर्यटकों भिड़ जमी था स्थान में देश स्वाधीनता पूर्व मयूरभंज राजा दायित्व थिला मंदिर टी परवर्ती समय रे देश स्वाधीन होगापर यह राज्य सरकार देवदत्त विभाग को एवं दायित्व अच्छी खिचिंग मंदिर को बिहार झारखंड कोलकाता ओडिशार विभिन्न स्थानों भक्त और श्रद्धालु मान सुअ छुट्टी थाए सहित लोक आकृष्ट करें मंदिर गेट सम्मुखें रही मुगुनी पथर में कारुकार्य होता विभिन्न मूर्ति और विभिन्न प्रकार जिन बर्तमान आम आज पहुँची चु माँ किचकेश्वर मंदिर आपड़ देखिपे एपटे माँ जो पूजा सामग्री सब जिन मिलू एपटे जूता स्टाण रही तेज आम भर को जी आते पर्यटकों सुअ छुटे देखा मिली प्रबल भिड़ खाली केवल ओडिशा नुहे ओडिशा बाहर पर्यटक आसुंच चलतु आम माँ किचकेश्वर मंदिर जाए प्रथम दर्शन करवा आम आगक बढ़ा माँ का मंदिर प्रवेश कर सारे तो जो पूजक रही माँ किचकेश्वर मंदिर पूजक रही सी आम सहित उपस्थित अच्छा चलतु ये माँ किचकेश्वर विषय सहित किसी आलोचना कर ब्लैक एंड न्यूज को स्वागत कराऊ कौन कह माँ किचकेश्वर मंदिर कौन सब तार रही परंपरा ताक कौन कह मयूरभंजर अधिष्ठात्री देवी हेले माँ किचकेश्वरी ये महाभारत जुगर किचकंर आराध्य देवी बोली देवी नामकरण किचकेश्वरी भाव में माँ परिगणित होंगे किंतु माँ हेले चामुंडा सप्तती चंडी अनुसार चंडमुंड को बध करने देवी चामुंडा रूप से आविर्भूत होता ये माँ हेले चामुंडा मयूरभंजर ऐतिहासिक मतवाद अनुसार ये मयूरभंजर नवमर दशम शतर मंदिर थिला कालक्रमे मंदिर भांगी जाइला पुणी से ही पुराणा मंदिर को मयूरभंज महाराजा प्रताप चंद्र भंदो ये मंदिर को पुनर्निर्माण कले 1942 मसीह मंदिर प्रतिष्ठा होगा पार्श्वे श्री श्री चंद्रशेखर महादेव मंदिर अवस्थित रही मंदिर प्रांगण में ओडिशार सर्वपुरातन म्यूजियम जहाँकि खिचिंग म्यूजियम अवस्थित रही खिचिंग म्यूजियम परिदर्शन कले साधारणतः गवेषक मानी यह एक बड़ उपादेय भाव में परिगणित हुए कारण म्यूजियम परिसर में बड़ बड़ जैन मूर्ति बौद्ध सूर्य उपासना गणेश विभिन्न दुर्मूल्य दुर्लभ मूर्ति रही जहाँकि दर्शक एवं गवेषक को उपादेय जगह था माँ किचकेश्वर पीठ एक बड़ विस्तीर्ण एरिया परिमित भाव रही कि विकास ठीक भाव हो पारना एवं पर्याप्त परिमाण सरकार को अनुदान है यार विकास हम एवं यह सर्वभारतीय स्तर में आदृत हम एवं परिचित हम जहाँकि सारा भारत वर्ष कला मुगनी पत्र मंदिर जहाँकि माँ किचकेश्वर मंदिर गोटे मात्र एवं यह सारा भारत वर्ष एक नंबर मंदिर भाव में परिगणित हो पार प्रत्येक दिन ये मंदिर को कते पर्यटक कते भक्त श्रद्धा आसान भक्त समावेश कहले साधारणत आम जिला जिला बाहर एवं राज्य बाहर मत भक्त आसती तो कौन सी गणती ना कि भक्त आसं माँ का पाखे निज निजर दुख जन जाऊँ दुख माँ लाघव करेणु
प्राय प्रत्येक दिन विभिन्न वर्गर भक्त आसी माँ को दर्शन करती श्री श्री चंद्रशेखर महादेव को दर्शन कर कृपा लाभ कर जाती मंदिर जो निरोला परिवेश शांत परिवेश को उपभोग कर भक्त मैंने घर को जाता देखो ये है बहुत पुरातन मंदिर कहुची जा भारत रे केवल गोटे ही रही जो कि कला मुग्नि पथर तैयारी सबुठ बड़ कथा है यार जो म्यूजियम रही विषय रे जो कहले जो म्यूजियम टी बहुत रजामल से करते तो आम जा म्यूजियम भितर देखा केमती कौन तार रही मूर्ति सब रही आम देखू चलतु आम जा म्यूजियम आड़ तो आम से म्यूजियम पाखे आम पहुँचे आउ म्यूजियम भित्रे आम जा देखा जो पुरातन मंदिर मान जो रही कौ स्थित रही कौन रही पर्यटक मध्य रही से म्यूजियम भितर को जा सब दर्शक दर्शन करते आम चलो आमे म्यूजियम भितर को आम प्रवेश कर सारे आहा नजर आम कहूँ कि आगर जो स्थिति थिला म्यूजियम जो परिष्कार थिला मूर्ति वर्तमान आप देखिपे मूर्ति सब भांगी गला मूर्तिर पूरा धूली धूली रोची जहाँ कि देखना बेक्षण ठीक प्रशासन दृष्टि पड़ूना कि सरकार कौन सी दर्शन करूना ये सब मूर्ति मान बहुत पुराणा रही जहाँ कि राजा तैयारी करते सब मान म्यूजियम रही जे लोक आसी देखिए तेणु जहाँ रही पूरा धूली लगला जदि या प्रति प्रशासन टिके भी दृष्टि पकाता तो ये सब मूर्ति जो भांगी पड़ी कि धूली लग लगी तो ताती प्रभाव पड़ पारि था किंतु टोटल प्रशासन या प्रति मंदिर प्रशासन हो कि राज्य सरकार पार टोटाली दृष्टि पड़ूना एवं करेन्ट ना करेन्ट वारिंग पड़ सारा आई वर्ष होगा करेन्ट ना आप देखिपे मूर्ति सब भांगी गला तेब जहाँ स्थिति रही आम कह निहाती मंदिर प्रशासन को दोष भी दे पार जे उपरे अति शीघ्र जदि किसी कार्यानुष्ठान नियंत तो आगामी दिन में यह सब मूर्ति भांगी फल पाई तेरे खिचिंग मंदिर परिसर मध्य रही ओडिशार पुरातन संग्रहालय एवं संग्रहालय को मयूरभंज राजा 1921-22 मसीहा स्थापन करते संग्रहालय विभिन्न प्रकार मूर्ति और नित्य व्यवहार जिनस देखा मिले एथस विभिन्न प्रकार अस्त्र और विभिन्न अलंकार व्यवहार करा स्टोन देखा मिली थाए राजा से समय कला संस्कृति और परंपरा बजाय रखापी संग्रहालय निर्माण करते बर्तमान संग्रहालय अनेक समस्या सृष्टि हो पुरातन संग्रहालय हेले जड़े रात्रि जगवाड़े कार्य चली रात्रि जगवा सहित दिन में कार्य करने कष्टर बेपार हो पड़ा खास से अनेक समय संग्रहालय बंद रोचे पुरातन मूर्ति गुड़िकर मरामती समय सीमेंट पा पड़ अपरिष्कार देखा अनेक समय संग्रहालय को परिष्कार जहाँफल अनेक समय पर्यटक असंतोष प्रकाश कर फेर क्षेत्रकेश्वरी मंदिर बहुत पुराणा मंदिर एवं मंदिर स्थापत्य कला ऐतिह विषय जाने आम आसीु मंदिर देखापी कि बर्तमान मंदिर जहाँ देखु जहाँ शुणीलु ताठ सत्यगुण मंदिर स्थिति आर परेश सबकि खराब अवस्था तेणु मुझे फिल कली जदि मंदिर एत वर्ष पुराणा मंदिर 1200 पुराणा मंदिर तार रक्षणाबेक्षण जब भल भाव करान जाए दिने ये कीचकेश्वरी मंदिर थी केवल पिला इतिहास जानवे ना कि निश्चित न रही है सर ये म्यूजियम से 100 पुराणा म्यूजियम भारत सर्वपुरातन जहाँ परिदर्शन कर बाबद कौन कह सर म्यूजियमटा आप कौन सर्वपुरातन सर्वपुरातन कितु म्यूजियम रक्षणाबेक्षण आदौ ना म्यूजियम संपूर्ण अंधार अंधकार भितर म्यूजियम
କୌଣସି ଯାହା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁନି, ଆମ ନିଜର ବି ରହିପାରୁନି, କ'ଣ ଦେଖିବ, ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ସମାନ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ, ସେ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବା ଆପଣ ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭିଜିଟର ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ସୁରାଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏବଂ କେହି ଜଣେ ନାହାନ୍ତି ଗାଇଡ଼ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଠିକାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଜିଟର୍ସ ମାନେ ବା ଦୂରନ୍ତର ଆସିଥିବା ଭିଜିଟର୍ସ ମାନେ ବହୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଖିଚିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖିଚିଙ୍ଗ ମା କିଚିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଏଥିରେ ରାତିପା ହେଲେ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହିଆସିଛି, ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବର ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସବୁ ରହିଆସିଛି ସବୁ ମାନେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତା'ର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ, ଜଣେ କେବଳ ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଗାମୀ ଯୁଗ ଯଦି ଏହାର କିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର କିଛି ନ କଲେ ତାହେଲେ ସେ ମାନେ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ସବୁ। ସେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଲେକିନ୍ ଯେଉଁ ପୁରାତନ କାଳର ଯେଉଁ ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରଖାଯାଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଗଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ଏଠି କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ରଖିବା ଦରକାର। ସେଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମାନ ଗୁଡ଼ା ରଖାଯାଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା, ତେବେ ବି ଯତ୍ନ ନିଆ ହେଉଛି, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେସବୁ କଥା ଆଉ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ସୁମନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।